राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं और लाखों करोड़ रुपए अदानी और अनिल अंबानी के हवाले किए। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स, मनमोहन सिंह जी ने कहा, चिदंबरम जी ने उनसे कहा इसको आप बिना पायलट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए, देश का नुकसान हो जाएगा। जो हमने बनाया है पूरे देश ने प्यार से खून पसीने से अर्थव्यवस्था खड़ी की है, नष्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कहते नहीं, मैं तो 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा। कर दिया और हुआ क्या, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। क्या 9% जीडीपी ग्रोथ रेट होती थी, आज 4% पे पहुंच गए हैं। और वो भी उन्होंने जीडीपी, तो अगर आप हमारे तरीके से पुराने तरीके से जीडीपी नापो तो आज 2.5% जीडीपी ग्रोथ रेट है हिंदुस्तान का। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के सब दुश्मन, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर हिंदुस्तान के सब दुश्मन चाहते हैं और चाहते थे कि हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट की जाए। और वो काम दुश्मनों ने नहीं किया, वो काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। और फिर अपने आप को प्रधानमंत्री देशभक्त कहते हैं। पूरा का पूरा पैसा 2-3 उद्योगपतियों को पकड़ा दिया है, सब उद्योगपतियों को नहीं। इस देश में बहुत सारे ईमानदार उद्योगपति हैं और मैं इस बात को मानता हूं कि अगर किसान इस देश को बनाता है, मजदूर इस देश को बनाता है, छोटा दुकानदार इस देश को बनाता है, तो ईमानदार उद्योगपति भी देश को बनाता है। मगर पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने, मैं एक नाम लेता हूं, पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने अदानी को 50 कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। देश के एयरपोर्ट पकड़ा दिए, देश के पोर्ट्स पकड़ा दिए, बिना कॉन्ट्रैक्ट के दे दिया। क्यों दिया, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप चोरी नहीं कहेंगे, इसको आप भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे इसको। 1,40,000 करोड़ रुपए कुछ ही दिन पहले 15-20 लोगों का कर्जा माफ किया है। आपसे टेलीफोन इस्तेमाल करने के लिए 50% रेट बढ़ा देंगे और फिर बड़े से बड़े उद्योगपतियों का 60,000 करोड़ रुपए माफ कर देंगे। अर्थव्यवस्था क्या होती है, जब तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, किसानों के पास, मजदूरों के पास, युवाओं के पास जेब में पैसा नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आगे नहीं जा सकती। मैं आपको समझा देता हूं, हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, युवा, आप लोग माल खरीदते हो, जब आपके जेब में पैसा होता है आप चीजें खरीदते हो, खरीदते नहीं खरीदते हो, शर्ट पैंट जूता मोबाइल फोन काले चश्मे जैसे आपके हैं, ये आप खरीदते हो। जब आप खरीदते हो, फैक्ट्रियां ये चीजें बनाती हैं, जब फैक्ट्रियां ये चीजें बनाती हैं, आप ही लोगों को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिलता है। ये इकोनॉमिक सिस्टम है। पैसा पहले गरीब लोगों के जेब में डालो, किसानों के हाथ में डालो, मजदूरों के हाथ में डालो, वही पैसा किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार,
पैसे का प्रयोग करेंगे, चीजें खरीदेंगे, चीजें खरीदेंगे, डिमांड बनेगा, डिमांड बनेगा, फैक्ट्रियां बनाएंगे। नरेंद्र मोदी ने आप सबके जेब में से पैसा छीन के निकाल दिया। बघेल जी ने कहा छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए धान के मिलते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, इन प्रदेशों में हमने कर्जा माफ क्यों किया, इन प्रदेशों में हम सही एमएसपी क्यों देते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के किसान के बिना, हिंदुस्तान के किसान के बिना अर्थव्यवस्था आगे जा ही नहीं सकती। मनरेगा हमने क्यों दिया? क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान के मजदूर के बिना यह देश आगे नहीं जा सकता है। तो नरेंद्र मोदी ने पूरा पैसा खींच के अपने दो तीन चार मित्रों को दे दिया और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। वो वहां नहीं रुके,